दोस्तों ये है 2024 की यामा FZS और यहाँ पर देख पा रहे हैं न्यू कलर में यहाँ पर आपको बाइक मिल जाती है। और इस बाइक में 2024 में क्या कुछ मिल जाता है दोस्तों, और क्या इसका स्पेसिफिकेशन 2024 में मिलता है, क्या इस बाइक का ऑन रोड आपको मिल जाता है, कितना आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, सारे डिटेल्स सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले इस बाइक को हम अगर फ्रंट से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको फुल्ली LED में आपको यहाँ पर हेडलैम्प मिल जाता है और दो आपको साइड में DRL देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर साइड में आप देख पा रहे हैं LED ब्लिंकर यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस बाइक में। और नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको फुल्ली फाइबर में मडगार्ड मिल जाता है। और साइड में आपको 31mm का आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में आपको मिल जाएगा। और इस बाइक में आपको 282mm का डिस्क ब्रेक फ्रंट में आपको मिल जाता है। और इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा वाइब्रे के क्लेवर के साथ। 17 इंच की इस बाइक की एलोविल आती है। फ्रंट में आपको 80/118 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और इस बाइक में आपको यहाँ पर फ्रंट में रेडियल टायर मिल जाता है और पीछे में भी आपको रेडियल टायर मिल जाता है। दोस्तों साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो इस बाइक को देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर में काफी खूबसूरत सा कलर यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ टैंक में देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लैक कलर का आपको FZS का लोगो मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर ब्लैक कलर की ग्राफिक्स मिल जाती है एंड व्हाइट ग्रे कलर का यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिलती है। फ्रंट में आपको क्रोम फिनिश में एक डिजाइनिंग मिल जाता है। सीट कम्फर्ट देख पा रहे हैं, सीट कम्फर्ट काफी जबरदस्त है इस बाइक में। और यहाँ पर नीचे आपको फाइबर में पैनल मिल जाता है और यहाँ पर ग्लोसी में आपको एक डिजाइन मिल जाती है। दोस्तों थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं राइडर वाला जो फुटरेस है आपको एडजस्टेबल मिल जाता है और पिलियन वाला आपको एडजस्टेबल मिल जाता है एल्युमिनियम का। दोस्तों अगर एग्जॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर एग्जॉस्ट के ऊपर आपको फाइबर में इस बाइक में एग्जॉस्ट कवर मिल जाता है, देखने में काफी खूबसूरत है। दोस्तों तो इस बाइक का जो लेंथ है आपको 2000mm का मिल जाता है विथ 780mm का विथ मिल जाता है, 1080mm के इस बाइक की हाइट मिल जाती है। दोस्तों और इस बाइक का सीट हाइट दोस्तों 790mm है जो कि काफी कंफर्टेबल है किसी भी राइडर के लिए। जो है 790mm सीट हाइट काफी कंफर्टेबल है। 1330mm का व्हील बेस इस बाइक में आपको मिल जाता है। इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वो आपका लगभग 165mm आपको मिल जाता है। और इस बाइक की जो कर्व वेट है दोस्तों वो 136 किलोग्राम की आती है और 13 लीटर की इस बाइक की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आ जाती है। दोस्तों इस बाइक की अब मीटर कंसोल की बात करते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको फुल्ली LED में मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको हाई मिल जाता है, हाई देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ट्रिप वन ट्रिप टू मिल जाएगा, यहाँ पर किलोमीटर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर RPM मीटर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको घड़ी मिल जाएगी। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ABS की लाइट मिल जाती है, यहाँ पर हेडलाइट मिल जाता है, यहाँ पर साइड टर इंडिकेटर की लाइट मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर माल फंक्शनल की लाइट मिल जाती है। TCS देख पा रहे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस बाइक में मिल जाता है। दोस्तों ये वर्जन 4 वाली बाइक है 2024 की। इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रल लाइट मिल जाएगी। और इस बाइक में आपको रियल टाइम माइलेज मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको इस बाइक में मोबाइल की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी दोस्तों। और इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। इसमें इस बाइक का एक एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन के जरिए आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको वहां पर मिलता है। वहां पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, और कब सर्विस करानी है सारा चीज सारी डिटेल जो है आपको वहां पर मिल जाएगा। इस बाइक की जो एप्लीकेशन आती है मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एक पोर्ट मिल जाता है, देख पा रहे हैं इससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। काफी यूनिक तरह का यहाँ पर दिया गया है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट बोल सकते हैं। और इसके ऊपर से जो है देख पा रहे हैं एक आपको कैप मिल जाता है रबड़ का, पानी वगैरह ना घुसे इसके लिए यहाँ पर ये दिया गया है। काफी सेफ्टी पर्पज से इसको बनाया गया दोस्तों। थोड़ा सा हैंडलिंग पोजिशन की बात करते हैं तो देख पा रहे हैं नीचे से आपको यहाँ पर 4 इंच की हाइट मिल जाती है और यहाँ से आपको 2 इंच का हाइट मिलता है। और ये थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ है जो कि राइडर को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हो चलाने में। अगर स्विचेज की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको पासिंग स्विच यहीं पे मिलता है, हाई बीम लो बीम यहीं पर आपको मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर साइड टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको हॉर्न मिलता है, हॉर्न देख पा रहे हैं काफ़ी लाउड है, काफ़ी ज़बरदस्त साउंड लाउड है यहाँ पर। और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इंजन किल स्विच मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्टार्ट स्विच मिल जाता है, बाइक स्टार्ट होगी। थोड़ा सा इस बाइक की अगर हम एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं आपको तो देखिए, हमने माइक से साउंड सुनाया है, अब हम माइक को हटा के आपको साउंड सुनाते हैं। इस बाइक की थोड़ा सा इंजन साउंड आप सुन लीजिए।
अगर इस बाइक की रियर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 7 स्टेप मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है दोस्तों, और रियर में आपको 140/60/17 का ट्यूबलेस टायर रेडियल वाला मिल जाता है, 17 इंच की एलॉय व्हील आपको मिल जाती है, 220 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, वाइब्रेक के क्लेवर के साथ टायर अगर देख पा रहे हैं इस प्रकार से। अगर इस बाइक की हम टेल लैंप की बात करें तो यहाँ पर आपको फुल्ली एलईडी में टेल लैंप मिल जाता है, और साइड वाला जो इंडिकेटर है आपको ब्लिंकर एलईडी में मिल जाता है, यहाँ पर साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, यहाँ पर जो है आप लाइट एक मिलती है, नंबर प्लेट को आप दर्शा सकते हैं। इस बाइक में सिंगल ग्रेबरेल मिल जाता है दोस्तों, सिंगल सीट भी मिल जाता है, सीट कम्फर्ट 790 mm का सीट हाइट इस बाइक में आपको मिल जाती है, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में मिल जाती है। इस बाइक में आपको किक नहीं आता, सिर्फ सेल्फ के साथ ये बाइक आती है, और इस बाइक में आपको सेंटर स्टैंड एंड साइड स्टैंड दोनों मिलता है, और साइड स्टैंड कट ऑफ मिल जाता है दोस्तों, और इस बाइक में 5-speed गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है दोस्तों। इस बाइक में आपको 50 का माइलेज बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, अगर आप इस बाइक को हाईवे में चलाएंगे और माइलेज के दायरे में चलाएंगे दोस्तों तो 50 का माइलेज इस बाइक से आप निकाल पाएंगे दोस्तों। और इस बाइक की जो टॉप स्पीड है दोस्तों वो 120 किलोमीटर की टॉप स्पीड आपको मिल सकती है दोस्तों, और इस बाइक का जो माइलेज है वो आपको 50 का मिल सकता है, अगर आप लोकल में चलाते हैं तो आपको 45 का माइलेज बहुत ही आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। इस बाइक की अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 1,61,459 रुपया इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है दोस्तों, और इस बाइक में जो 1,61,459 रुपया की ऑन रोड प्राइस है दोस्तों उसमें आपको इस बाइक की जितने भी एसेसरीज मिलेगी दोस्तों वो आपको फ्री मिलेगी, उसी में एसेसरीज का आपको कोई भी प्राइस नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। और ये वीडियो हमारे यामा शोरूम में शूट हो रहा है, दुमका यामा शोरूम में शूट हो रहा है, और मोबाइल नंबर दोस्तों ऊपर फ्लैश हो रहा है, वहां पे फोन करके और भी डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। और यामा की किसी भी बाइक की ऑन रोड प्राइस अगर आपको जानना हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, आपको वहां पर रिप्लाई जरूर मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, हमारा फेसबुक पे देख रहे हो दोस्तों पेज को फॉलो कीजिए, मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।